हेलो स्टूडेंट, आई एम साहिल शर्मा एंड आई एम हेयर अगेन टू प्रेजेंट यू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, दिस टाइम वी विल कवर दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज. ओके, एंड वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद आवर चैप्टर एवरेज. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन या ब्रीफली एवरेज को समझेंगे कि एवरेज होता क्या है. ठीक है, तो हम लोगों को एवरेज का फॉर्मूला तो हम सब ने पढ़ा हुआ है. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. मान लो हमारे पास कोई डाटा है, 2, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे 5 चीजें हैं. तो अगर मेरे को इनका एवरेज निकालना होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन पांचों को ऐड करूंगा. ओके, और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दूंगा. अब ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं इनके सम को 5 से डिवाइड कर दूंगा और मेरा एवरेज यहां पे आ जाएगा. ओके, अभी हम चेक करते हैं इसका एवरेज क्या आता है. 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 7 = 24 डिवाइडेड बाय 5. सो हमारा एवरेज आ जाएगा 4.8. ओके, ऐसे ही अब इसमें एवरेज में एक चीज होती है कि अगर मान लो हमारी जैसे ये ऊपर सीरीज लिखी हुई है, मैंने ये जो सीरीज लिखी हुई है, जो भी डाटा लिखा हुआ है, ये अगर ये डाटा हमारा एपी में है, एपी से क्या मतलब होता है कि हर एक जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहे थ्रू आउट द सीरीज. इसका क्या मतलब है, सपोज मेरे पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10. अब अगर मैं चेक करूं तो हर किसी में दो दो का डिफरेंस है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दो दो का डिफरेंस है, तो मतलब ये हमारी जो सीरीज है वो एक एपी में है. ठीक है, जब भी कोई सीरीज एपी में होगी तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. अगर मेरे को अब इस सीरीज का एवरेज निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 + 10 / 2 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 6. ओके, अब कुछ पॉइंट है जो याद करने हैं, हमने याद करनी है या इनको समझ लो तो आपको वैसे भी कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर टाइम सेव करना है तो, और ये चीजें याद हैं तो बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है. ठीक है, अब हम चेक करेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. जब मैं एन नेचुरल नंबर लिखता हूँ तो मतलब कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 एन तक है. अगर एक चीज देखूं तो ये सीरीज जो हमारी बन रही है वो एपी में बन रही है, जो डिफरेंस है वो हर किसी में +1 + 1 का है. ठीक है, +1 + 1 + 1 का है. तो अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हमारा इसका एवरेज आ जाएगा. सिमिलरली इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है. अगर मैं यही चीज आपको इस फॉर्मूले से करके दिखाऊं तो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n (n+1)/2. ये तो हो गया सम. अब मैं इस पूरे सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा जो कि क्या है, n. तो अगर मैं n से इसको काट दूंगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n+1/2. ठीक है, सिमिलरली एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर उनका होता है n. ठीक है, ये भी हम ऐसे ही निकालते हैं, 1, 3, 5 ऐसे करते करते 2n-1. ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट टर्म 1 + 2n-1/2 ऐसे करके एवरेज निकालूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n. सिमिलरली अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n+1, मतलब कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते मेरे पास आ गया 2n, तो यहां पे मेरी एवरेज क्या निकलेगी, 2n+2/2. तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, n
1। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये अगर आपको याद हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है, एक चीज़ और देखनी है इसमें, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज जैसे एपी में है और उसमें नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो ओड है, अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो मैंने ये वाली सीरीज ली थी, ये वाली सीरीज ली थी, अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अब ये क्या कह रहा है? तो देन एवरेज इज मिड टर्म। अब इन पांचों की जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है? वो 6 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 6। और हमने आंसर भी क्या निकाला था? 6। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, देन एवरेज इज एवरेज ऑफ टू मिडल टर्म्स। सपोज मेरे पास यहाँ जो भी ये सीरीज थी इसमें एक नंबर और होता 12, 12। अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो गए मतलब कि 6 होगी, तो मेरा एवरेज क्या आएगा? इन दो वैल्यूज का जो भी एवरेज होगा वो मेरा एवरेज आ जाएगा, मतलब कि 6 + 8 / 2, तो 14 / 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। मान लो आपके पास कोई सीरीज है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी डाटा है, सपोज है मेरे पास यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, इनका एवरेज है जो वो मेरे पास है एन, इन पांचों का जो एवरेज है वो मेरे पास है एन। अब अगर मैं ईच नंबर को, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए देन एवरेज इट विल बिकम एन मल्टीप्लाई बाय ए। मान लो मैं, अब इस एवरेज का क्या मतलब हुआ कि प्लस 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 डिवाइडेड बाय 5, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी, यही मतलब हुआ इस लाइन का। तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं हर एक एंट्री को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ए में यहां से कॉमन ले लूंगा, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5, अब मुझे पता है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? एन। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? एन। तो मेरा एवरेज क्या बन जाएगा? तो मेरा एवरेज क्या बन जाएगा? ए इंटू एन। सिमिलरली अगर यही ईच नंबर, अगर एडिड या फिर सब्ट्रैक्टेड बाय ए हो जाए, मतलब कि हर एक नंबर में मैं ए को ऐड कर दूं, तो मतलब कि मेरी जो एवरेज में है वो भी एन प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने हर किसी में ए को ऐड कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब ए कितने टाइम ऐड हो रहा है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? तो मेरा एवरेज क्या बन जाएगा? एन प्लस ए। ठीक है, मतलब कि जितना ईच नंबर में इंक्रीमेंट हुआ उतना ही एवरेज में इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं हर एक नंबर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिक्रीज कर दूं तो एवरेज भी उतने ही नंबर से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेम थिंग गोज विद दिस कंसेप्ट, दिस फैक्ट, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय ए देन एवरेज विल बिकम एन बाय ए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जितना भी अभी तक इस चीज इस वीडियो में बताया है वो सब आपको याद रखना है, और आपके जितने भी क्वेश्चन अब मैं अगली वीडियो में करवाने वाला हूँ वो 2 सेकंड के क्वेश्चन होंगे,
दो सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और इसमें जितने भी मैंने ऊपर ये पॉइंट बताए हैं उनमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एवरेज, ठीक है। सपोज जैसे कि मैं इस चीज में देखूँ जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमारा ये वाला पॉइंट है दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितने का आया था, 5a का डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हो गया, a का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, द मीन ऑफ 100 वैल्यू इज 45 इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 40 वैल्यू एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू देन द न्यू मीन विल बिकम। अभी अभी मैंने पढ़ा कि जो भी टोटल सम में डिफरेंस होएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एवरेज, ठीक है। तो मेरे पास पहले एवरेज कितनी है, 45। अब मैं क्या चेक करूंगा कि भाई जो टोटल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। 15 ऐड कर रहा हूं मैं पहली 40, उसमें पहली 40 वैल्यूज में मैं 15 ऐड कर रहा हूं, बाद की 60 में मैं 5 माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास टोटल सम कितना, डिफरेंस इन सम कितना आ जाएगा, यहां से 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 बढ़ जाएगी, ये आ गया 3, तो मेरा एवरेज कितना बन जाएगा, 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 48, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 7 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द न्यू मीन इज, ठीक है। अभी अभी हमने चेक करा, अगर हर एक नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी उतने ही नंबर से इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा न्यू एवरेज क्या बन जाएगा, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, जो कि हमारा क्या है, सी ऑप्शन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से हम लोग चेक करेंगे कि भाई टोटल सम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, टोटल सम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। अब मैंने ये चीजें लिखी क्या है, मतलब कि उसने कहा है कि जो U V W X Y एंड Z का जो एवरेज है वो है 10, ठीक है। अब U को उसने रिप्लेस कर दिया U+10 से, V को कर दिया V+20 से, W को कर दिया W+30 से, X को कर दिया X+40 से, और Y को कर दिया Y+50 से, और Z को कर दिया Z+60 से। मतलब कि सम में कितना इंक्रीमेंट आया, 10 तो U में आया, 20 V में आया, 30 W में आया, 40 X में आया, 50 Y में आया, 60 Z में आया, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस आ गया इन सब का सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6, ठीक है। तो मेरे पास यहां से क्या इनका सम क्या आ गया, टेन प्लस 20 30, 30 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 60 210 डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 35। मतलब कि एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 35 का, और पहले एवरेज कितनी थी, 10 प्लस 35 इज इक्वल टू 45, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है कि इफ ईच नंबर ऑफ एन नंबर इज एक्स आई इज रिप्लेस्ड बाय आई प्लस 1 इनटू एक्स आई देन द न्यू मीन इज, मतलब कि आई प्लस 1 इंटू एक्स आई, और एक्स आई की वैल्यू उसने ऊपर क्या दी हुई है, आई, तो मैं यहां पे इसको रिप्लेस कर दूंगा आई प्लस 1 इंटू आई, तो ये मेरा बन जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। अब मेरे को इनका चाहिए सम, सम मतलब इनका समीशन, ठीक है। तो मैं यहां पे इनके समीशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, मतलब कि मेरे को इस पूरी सीरीज का सम चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में चेक करूं तो पहले तो उसने दिया हुआ है आई की वैल्यू दी हुई है 1, तो ठीक है, ये वाली सीरीज मेरी क्या बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3
थ्री मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई सिक्स, ऐसे करते 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 एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन। ठीक है, अगर मैं चेक करूं तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू, इस पूरी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं वन का स्क्वायर प्लस वन, इस पूरी को मैं लिख सकता हूं टू स्क्वायर प्लस टू, इस पूरी को मैं लिख सकता हूं थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, और इस पूरी को मैं लिख सकता हूं फोर स्क्वायर प्लस फोर। ये जितना लंबा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए ही कर रहा हूं मैं, अदरवाइज करना मेरे को क्या है, यहां से आई स्क्वायर का जो सम का फॉर्मूला होता है वो पुट करना है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ये मेरे पास आ गया इस पूरी सीरीज का सम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है n, तो मैं इस पूरे को n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, ये n से ये n कट जाएगा और ये वाला n भी कट जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा n प्लस वन यहां से कॉमन ले लूंगा, तो n प्लस वन कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, यहां पे क्या बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 और इधर क्या बचा 1 बाय 2। ठीक है, इधर क्या बचा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा शायद तुम लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगी, तो n प्लस वन को मैंने कॉमन लिया, फिर इधर क्या बचा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 बाय 2। अब मैं इनका अंदर वाली ब्रैकेट का एलसीएम वगैरह लूंगा, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स। ठीक है, यहां से ये मेरा बन जाएगा एन प्लस वन, टू कॉमन ले लूंगा, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय सिक्स, तो टू से सिक्स कट जाएगा, आ जाएगा थ्री, तो यहां से मेरा आंसर क्या बनेगा, यहां से मेरा आंसर बन गया ये जो हमारा डी ऑप्शन है, एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी सी डी ई एफ जी बी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड जे के एल एम एन बी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर। अभी हमने चेक करा था कि इफ नंबर ऑफ, यहां पे चेक करेंगे हम लोग, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड नंबर देन एवरेज इज मिड टर्म। और ये कब इंप्लीमेंट होता है ये रूल, या जो भी हमारा पॉइंट है, जब हमारा जो डाटा है वो एक एपी में हो। ठीक है, जब जो हमारा एक डाटा है वो एपी में हो। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा डाटा है वो एपी में है या नहीं। ठीक है, उसने कहा है कि लेट ए बी सी डी ई एफ जी बी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो मतलब कि जेपी में एपी में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। सिमिलरली जे के एल एम एन भी कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, ये भी ओड नंबर है तो मतलब इनमें भी जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, जो हमारी ये वाली सीरीज है, इसका जो एवरेज होगा वो मिड टर्म होगी, जो कि क्या है डी। ठीक है, तो मतलब इन सात के सात ऑब्जर्वेशन का सम क्या हो जाएगा, सेवन मल्टीप्लाई में डी, सेवन डी। ऐसे सिमिलरली नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एवरेज एल, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है पांच, तो फाइव इंटू एल। जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, यहां से मैंने अब क्या करा, हर एक नंबर का सम निकाल लिया, मतलब इन 12 की 12 एंट्री का जो सम निकला वो कितना निकला, सेवन डी प्लस फाइव एल। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, अगर मैं चेक करूं सात तो पहली सीरीज में है। ठीक है, सात
सीरीज में है, पांच दूसरी सीरीज में है, तो टोटल कितनी होगी? 12। तो अब मेरा एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ से? 7D प्लस 5L डिवाइडेड बाई 12। तो हम अगर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, सो गाइस ये आज का जो हमारा टॉपिक था 15-20 मिनट का, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर देखे जाए तो समझने में थोड़ी मुश्किल लगती है, चीजें समझने में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ही लेंथी क्वेश्चन होगा। अगर आप लोगों को ये 3-4 पॉइंट जितने भी मैंने बताए हैं ये चीजें सब पता है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें 10 से 15 सेकंड ज्यादा लगते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही हमारी सीरीज के इसी एवरेज चैप्टर की 2 से 3 वीडियोस और आएंगी ऑल्टरनेट डेज में, तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड आगे जितनी भी आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, और भी बहुत से सब्जेक्ट से रिलेटेड, CAPF से रिलेटेड जितना भी GK का कंटेंट होता है, वो NDA में जितना भी GK का कंटेंट होता है, CDS में जितना भी GK का कंटेंट है, हर एक टॉपिक की चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे चैनल पे डली हुई हैं। अगर आपको वो चेक करनी है तो जरूर एक बार चेक करें। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।